दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस म्यूटेंट का तेजी से प्रसार जारी है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अमेरिका, स्पेन, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और यूएई सहित 23 देशों ने अब तक नए कोविड-19 संक्रमण ओमिक्रॉन बी 1.1529 की सूचना दी है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि पहली बार दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, इसे लेकर लगातार वैज्ञानिक अभी भी डेटा का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि इस भयावह महामारी को ध्यान में रखकर कई देशों ने पहले ही यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए यात्रा दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। फिलहाल भारत में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। अब तक भारत ने ओमिक्रॉन संक्रमण के किसी भी कोविड-19 मामले की सूचना नहीं दी है, लेकिन कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। भारत ने पिछले 24 घंटों में 9,765 ताज़ा कोरोना संक्रमण की सूचना दी। अगर बात करें तो कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 3,46,06,541 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 99,763 हो गए। और स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार गुरुवार को 477 ताज़ा मौतों के साथ कोविड-19 की मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,69,724 हो गया। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या अब कुल संक्रमणों का 0.29% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 केस में 740 मामलों की वृद्धि दर्ज हुई है।